हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 6:30 बजे मेरा बस है। तो चलिए आप लोग भी साथ मेरे, मैं ले चलूँगी आप लोगों को, दिखाती हूँ कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ और इसके आगे मेरे ब्लॉग में क्या क्या होता है, आप लोग बने रहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ नया स्टार्टिंग होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट। अभी नहीं बताऊंगी कि क्या है, कैसे करूंगी, मैं बस सोच रही हूं। अगर मैं इसमें कामयाब हुई तो आगे ले जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। मैं सोच रही हूं, अगर मेरे सोचने के हिसाब से सब कुछ हुआ तो बस आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए ये व्लॉग हम लोग किचन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ माँ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। जाने से पहले मैं मैगी खा के जाऊँगी और बिना सब्जी का मैगी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए सब्जी के साथ मैगी पका रही है माँ। एंड हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट। सुबह के 5 बजे उठ के मैगी मिल जाए और क्या ही चाहिए। बहुत खुश थी मैं, बस ये मैगी देख के ही खुश हो गई थी मैं। सोचिए 5 बजे उठ के ही मैगी मिल जाता है, खुशी नहीं होगा तो और क्या होगा। तो यहाँ निकल आए हैं हम लोग, पापा मुझे बस तक छोड़ने के लिए आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ये बस स्टॉप पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरा हाथ बहुत हिल रहा था, तो ये कंसीडर कीजिए आप लोग। पता नहीं क्यों, वॉक करते समय शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत हाथ हिल रहा था। ये रहा सुबह का नज़ारा, अर्ली मॉर्निंग। वैसे तो मुझे ऐसे सुबह का नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैं उठती नहीं सुबह सुबह, बहुत कम मौके पे उठती हूँ और उनमें से एक दिन आज है, तो देख लिया। और अभी यहाँ जर्नी स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए गुवाहाटी चलते हैं। बोल ही दिया गुवाहाटी, क्योंकि दूसरे ब्लॉगों से आप लोगों को पता चल ही चुका है कि पहले ही कि मैं गुवाहाटी जा रही हूँ, लेकिन मेरा प्लान और भी था गुवाहाटी से, मैं आगे भी जाने वाली थी पर हो नहीं पाया। मैंने जैसे कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने सोचा है कुछ, अगर सोचने के हिसाब से हुआ तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, पर अभी बता दूँ कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, तो वो बाद में कभी होगा। तो अभी आते आते यहाँ रास्ते पे रुके हैं बस फ्रेश होने के लिए लोग, पर मैं बस से उतरी नहीं, बस पे ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं पूरा रास्ता सो के आई थी और आके यहाँ पे ही आँख खुला, पर जाने का मन नहीं किया नीचे, तो ऐसे ही बैठ के रिकॉर्डिंग किया थोड़ा सा। हाँ, और मैं बात कर रही थी, जैसे कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, वो होने से मैं आप लोगों को बताती, लेकिन इस बार लक ने साथ नहीं दिया, तो आगे देखती हूँ क्या होता है। अगर आगे हुआ वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी सोचने के हिसाब से, क्योंकि वो मेरा बहुत मन है करने को, तो जब होगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी गुवाहाटी तक ही मेरा सफ़र होगा, फिर लौट के घर ही चली जाऊँगी। और इसका सबसे मेन कारण है कि मुझे पैर में चोट आ गया था गुवाहाटी जाते ही, मुझे बहुत बड़ा मोच आ गया था, बहुत गंदा वाला मोच आया था पैर में, और मैंने सोचा था कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी पहले पहले, पर बाद में जाना ही पड़ा क्योंकि पेन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, अभी भी है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, डॉक्टर ने दवाई दी है वो यूज़ करने के बाद। तो आते आते अभी बात करते करते मैं गुवाहाटी भी पहुँच गई। ये मैं पहुँच चुकी हूँ खानापारा, यहाँ उतरी हूँ, तो बाकी के बाद में करते हैं हम लोग, जब
चांस मिलेगा तब पूरा कहानी सुनाऊंगी मैं क्या सोची हूँ। तो अभी के लिए यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं उस बात को और ये जो व्लॉग हो रहा है इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं जाऊंगी अपने चाचा के घर, तो चाचा ने कैब बुक कर दिया है क्योंकि मेरा ओला उबेर कुछ भी काम नहीं कर रहा है फ़ोन पे, तो चाचा ने बुक कर दिया है, मैं बस वेट कर रही हूँ आने तक। तो यहाँ से ओला में मैं जाऊंगी चाचा के घर तक, वहाँ से बाकी क्या होता है मैं दिखाती हूँ, तो आप लोग बने रहिए। ये मैं अपने कैब में बैठ चुकी, लेकिन पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है और गुवाहाटी का ट्रैफिक भी है, आप लोग सोच ही सकते हैं गुवाहाटी में ट्रैफिक कितना ही होता है। तो बस अभी चलते हैं, जाके सीधा घर में मिलते हैं। ये मैं घर पहुंच चुकी हूँ और 10:30 बज रहा था शायद जब मैं पहुंची, तो चाची ने रोटी बना के रखा था वो खा रही हूँ और अभी बाहर के लिए निकलते हैं हम लोग, एक फंक्शन है वहाँ तक जाएंगे। तो चाची और मेरे कजिन्स पहले ही जा चुके हैं, मैं चाचा के साथ स्कूटी पे जाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल आए हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं क्योंकि पास ही में है, लेकिन आज का व्लॉग इतने तक ही था, इससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे।